हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे और आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए, n की वैल्यू यूजर द्वारा एंटर करवाई जा रही है, तो n में कुछ भी यूजर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यूजर ने 5 एंटर किया होगा, ठीक है, या एंटर करेगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। सम की वैल्यू आपको दिख ही रही है, यहाँ पे सम की वैल्यू है और आई की वैल्यू पहले से क्या दी गई है, तो सम में तो जीरो है लेकिन आई में वन है और यहाँ पे लूप चलाया गया है। तो कहा गया है कि अब देखिए, आई की इनिशियल वैल्यू वन है, तो वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो वन तो लेस देन भी है और इक्वल टू भी नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स है, तो इसे फॉल्स ही माना जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। जब फॉल्स होती है तो ये आगे बढ़ेगा और सम की वैल्यू पहले जीरो थी, यहाँ पे देखिए जीरो थी पहले, और अब क्या होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अभी आई की वैल्यू क्या है, वन है, तो आई की इनिशियल, सम की इनिशियल वैल्यू अब जीरो थी, लेकिन अब पहली बार जब लूप चला तो फर्स्ट टाइम में सम की वैल्यू क्या बन गई, वन बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, आई में दो जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लस टू, तो आई में आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, वन है, तो वन में अब जब दो जुड़ेगा दूसरी बार में, ये पहली बार की कहानी थी, लूप पहली बार जब चला तो ये हुआ, ठीक है। अब जब लूप दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू यही देखिए जुड़ करके क्या बन जाएगी, थ्री बन जाएगी, ठीक है। अब जब थ्री बन जाएगा तो फिर यहाँ पर वापिस आएंगे, तो फिर चेक करेंगे कि क्या थ्री इज लेस देन और इक्वल टू फाइव है, तो यहाँ पर फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। भाई इक्वल टू तो है ही नहीं, लेस देन है लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर सम की वैल्यू अभी क्या है, सम की वैल्यू क्या है, पहली बार में वन हो गई थी, अभी यहाँ पर तो जीरो ही है, तो जीरो में फिर थ्री जुड़ेगा, आई की वैल्यू क्या बन गई, थ्री बन गई, तो जीरो में फिर थ्री जुड़ेगा, तो जीरो में जब थ्री जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू बन जाएगा थ्री, ठीक है। तो थ्री हो गया और थ्री में पहले क्या आया था, पहले वन था, ठीक है, फिर थ्री बन गया। अब क्या होगा, अब यहां पर फिर आई की वैल्यू चेंज होगी और आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइव बन जाएगी, ठीक है। पहली बार में वन, दूसरी बार में थ्री हो गया और तीसरी बार में क्या होगा, फाइव, फाइव हो जाएगा, ठीक है। क्यों फाइव हो जाएगा, क्योंकि जब यहां पर थ्री हो जाएगा वैल्यू, तो देखिए अभी तो आई की वैल्यू थ्री बन गई और सम में क्या स्टोर है, तो सम में स्टोर है आपका वन और प्लस थ्री, ठीक है, वन स्टोर है और थ्री स्टोर है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर चलेगा लूप, तो आई की वैल्यू 5 बन जाएगी क्योंकि 3 में 2 प्लस होगा ना। देखिए नीचे नीचे आइए, यहाँ पे जब 3 बन जाएगी आई की वैल्यू, तो 3 में प्लस 2 होगा, तो 3 में प्लस 2 होने के बाद 5 ही हो जाएगा वैल्यू, और जब 5 हो जाएगा तो फिर पूछा जाएगा क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी क्या, एक बार क्या आया, 1 आया, एक बार क्या आया, 5 आया और एक बार 3 आया। इन तीनों को, आई की इन तीनों वैल्यूज को सम में ऐड कर दीजिए। सम में पहले क्या था, जीरो था, तो जीरो में ऐड कीजिए, पहले वन ऐड कीजिए, जीरो प्लस वन, फिर उसमें थ्री ऐड कीजिए, फिर फाइव ऐड कीजिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और शुरुआत में क्या था, वन था, तो एट और वन क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। अब इसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है, नाइन आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम सेम हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ पर ये चला दिया हमने। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 एंटर किया तो आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसी के हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।